फ्रेंड्स आज की ये रेसिपी देखिए, है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दिख रही है ना, बहुत ही ज़्यादा लजीज दिख रही है ना। और ये देखिए, मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, इसके अंदर बिल्कुल आलू भरा हुआ है, मतलब इतना ज़्यादा टेस्टी है कि आपको बनाए बिना आप रह नहीं सकते हैं। आप इसको ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा ही करिएगा, क्योंकि आज की रेसिपी है ही ऐसी। आप इसको सुबह में ब्रेकफास्ट के रूप में बना सकते हैं, शाम के स्नैक्स के रूप में बना सकते हैं। आज की रेसिपी है आलू और ब्रेड से बना हुआ बहुत ही ज़बरदस्त नाश्ता। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का ये आलू ब्रेड का नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। तो ये नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको चाहिए बॉइल्ड आलू। तो यहाँ पे मैंने लगभग 5 से 6, लगभग आपको जितनी क्वांटिटी भी चाहिए उसी हिसाब से आलू बॉईल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है एक पोमग्रेनेट यानी कि अनार का दाना। तो मैंने यहाँ पे एक लिया है, लेकिन इसमें इतना ज़रूरत नहीं होगा, जितना होगा उतना यूज़ करेंगे हम। उसके बाद बहुत सारे इसमें धनिया आप काट करके ले सकते हैं, हरा धनिया, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और ढेर सारा इसमें चाहिए लहसुन। लहसुन लगभग 15-20 आप लहसुन की कली को क्रश कर ले, और लगभग 3 से 4 आप हरी मिर्च काट करके ले ले। उसके बाद यहाँ पे कुछ मसाले चाहिए। मसाले के रूप में यहाँ पे मैंने लिया है चिली फ्लेक्स, इसके जगह आप चिली पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि लाल मिर्च पाउडर का। जीरा लिया है आधा चम्मच, 1/4 टेबल स्पून लिया है मैंने ब्लैक पेपर, और नमक स्वाद के हिसाब से। इन सारे मसालों को आप कम और ज़्यादा रख सकते हैं। और फिर उसके चाहिए ब्रेड, तो यहाँ पे मैंने लिया है सैंडविच ब्रेड, जिससे क्या होता है काफ़ी अच्छे से बाइंडिंग होती है। और उसके बाद हम लेंगे लगभग आधा कप के आसपास दही। इन सभी को हमें फटाफट से रेडी कर लेना है। दही आप यहाँ पे फेंट सकते हैं। तो सबसे पहले हम अब क्या करते हैं, आलू को मैश करते हैं। तो मैश करने के लिए यहाँ पे मैंने फॉक लिया हुआ है। फॉक की मदद से आलू जब बहुत ही अच्छे से बॉईल किया हुआ आलू मैश हो जाता है, तो फटाफट से हम कर लेते हैं। आलू मैश हो चुका है, तो इसमें हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स जितने भी लिए हैं वो डाल देते हैं। तो सबसे पहले हम अनार का दाना जो लिया है वो डाल देते हैं। इतना ज़्यादा नहीं लगेगा, तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा बचा लिया है। और फिर धनिया का पत्ता, तो धनिया का पत्ता अच्छा खासा इसमें लगेगा, इसलिए मैंने बहुत सारा काटा हुआ है। और फिर लहसुन, लहसुन भी मैंने अच्छा खासा क्वांटिटी में लिया हुआ है। और हरी मिर्च, मिर्च की क्वांटिटी आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि तीखा बहुत लोग कम खाते हैं। और फिर जो और मसाले लिए थे वो रख देते हैं। बस कुछ नहीं करना है, इस सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे एक चीज़ पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, अनारदाना का पाउडर भी आता है मार्केट में, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमने जो दही लिया हुआ है, दही को सबसे पहले फेंट लेंगे। उसके लिए थोड़ा सा पानी इसमें डाल दे और बहुत ही अच्छे से इसको फेंट लेना है। थोड़ा सा पानी और डाल दे, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा दही नहीं रखना, हमें छाछ के जैसा बनना चाहिए। तो बस हो चुका है। अब चलते हैं ब्रेड की ओर। तो यहाँ पे हमने जो ब्रेड लिया है, ब्रेड के जो साइड्स होते हैं उसको हम काट करके हटा देते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा और अभी बनाने में इसका काम नहीं होगा, तो इसलिए इसको हटा देते हैं। ब्रेड का स्लाइस काट करके साइड हटा दिया, और इस साइड को हम फेंकेंगे नहीं, इसका हम इस्तेमाल करेंगे ब्रेड क्रम्स बनाने में। ब्रेड क्रम्स का तो आपको पता है बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसको हम बना करके रख लेते हैं ताकि किसी और रेसिपी में यूज़ कर सके। और उसके बाद हम चलते हैं बनाने के लिए। तो सबसे पहले ये जो हमने ब्रेड का स्लाइस काट करके साइड हटाया हुआ है, उस ब्रेड को हम जो दही फेंट करके रखें उसमें ऐसे डिप करेंगे, और फिर दोनों हाथों की मदद से उसको दबा करके उसका जो एक्स्ट्रा पानी है दही वाला वो निकाल देंगे। और फिर चम्मच की मदद से इस पे जो है हमने जो आलू बना के रखा हुआ है उस आलू को डाल दे, जितनी भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, ताकि काफ़ी अच्छे से ये बंद हो जाए। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छे से इसको बंद करके आपको
रोल करना है, गोल गोल बनाना है ताकि जितना भी खुला हुआ पार्ट है वो सब बंद हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी हमने दही में भिगाया है ब्रेड को तो वो सॉफ्ट हो चुका है। तो काफ़ी अच्छे से रोल करेंगे, इस तरह से घुमाएंगे तो बहुत ही अच्छे से वो बंद हो जाएगा। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से गोल हो चुका है ना। तो इसको अब रख लेते हैं किसी प्लेट में, और उसके बाद हमने जो और ब्रेड रखे हुए हैं सभी को फटाफट से इस तरह से कर लेते हैं। एक साइड में हमने ऑलरेडी तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। तो आपको जितना भी बनाना है उतना ही बनाएं, एक साथ ज़्यादा नहीं बनाएं, क्योंकि ये गरम गरम ही खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसलिए जितना क्वांटिटी की ज़रूरत है उतना ही बनाएं। तेल ऑलरेडी हमारा गरम हो चुका है, तो तेल में हम क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक करके डालेंगे। एक साथ दो तीन नहीं डालें, नहीं तो एक दूसरे में चिपक सकता है, इसलिए एक एक करके ही डालें यहाँ पे। और साथ के साथ इस तरह से पलटे, क्योंकि ब्रेड है तो ब्रेड बहुत ही जल्दी जलने लगता है, तो इसलिए ध्यान से आपको तुरंत तुरंत ही पलटना है। और हल्का सुनहरा गोल्डन होने तक इसको आपको फ्राई करना है। तो ये देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो बस कुछ नहीं करना है, एक किचन टॉवल पे इसको या टिश्यू पेपर पे निकाल ले, जिससे क्या होगा इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल के बाहर आ जाएगा। और इसी तरीके से हम जो है अपना दूसरा भी तल लेंगे। साथ के साथ ही पलटते रहे, नहीं तो फिर क्या होगा, एक साइड से ज़्यादा जल जाएगा और एक साइड से कच्चा रहेगा। इक्वल सभी साइड दिखना चाहिए। यहाँ पे आपको मीडियम गैस रखना है, बहुत ही ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना है और ना ही बहुत ही ज़्यादा लो रखना है। तो इसी तरीके से देखिए हम अपना जो है जितना भी हमने बनाया हुआ है सभी को तल लेंगे फटाफट से। एक्स्ट्रा ऑयल निकालने के लिए आप टिश्यू पेपर का इस्तेमाल जरूर करें, किचन टॉवल इस तरह का मार्केट में मिलता है। तो बस इसी तरह से हमने सभी को तल लेना है। तो बस सभी को हमने तल लिया है। ये देखिए, तो जितना रिक्वायर्ड क्वांटिटी उतना ही तल ले, जितना आपको खाना है। बाद बाकी आप आलू को बचा करके रख सकते हैं बाद में फ्रिज में, और जब भी खाना हो गरम गरम इस तरह से तल करके खा सकते हैं। ये देखिए देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, इसको गार्निश कर सकते हैं आप। थोड़ा सा धनिया का पत्ता से सजा दीजिए, थोड़ा सा हरी मिर्च रख दीजिए, चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे इमली की चटनी है या फिर टोमेटो केचप के साथ इसको खा सकते हैं। अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है और ऊपर से थोड़ा सा क्रंची रहता है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। बहुत ही सिंपल है आज का ये रेसिपी, बहुत ही सिंपल है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसको क्लिक करिएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, आप लोग के लाइक का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मेरी वीडियो के लिए। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कोई वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव भी शेयर कर सकते हैं, और फैमिली फ्रेंड्स के साथ अगर रेसिपी अच्छी लगी तो उसके साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी देख सके अच्छी अच्छी रेसिपी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आप सभी से मिलती हूँ फिर से
एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।